वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मिलिकन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। 1909 में आर ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से चार्ज की वैल्यू फाइंड की थी। इसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो सबसे पहले एक चैम्बर है, इस चैम्बर का नाम है सी। चैम्बर भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं, जिसका नाम आपने रखा हुआ है सी। और इस चैम्बर में दो विंडोज है, पहली विंडो का नाम W1 है और दूसरी विंडो का नाम क्या है। विंडो वन पे हम क्या करेंगे, सोर्स सप्लाई करेंगे, बल्ब जिसे बोलते हैं, लैंप भी बोल सकते हैं। और इससे आगे हम क्या करेंगे, लेंस रखेंगे जो सारी की सारी लाइट को और किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसके इस चैम्बर के इन साइड में जो भी होगा उसको देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, विंडो वन पे तो हमने सोर्स अप्लाई कर दिया, लेंस लगा दिया ताकि सारे का सारा हिस्सा क्या हो, ग्लो हो जाए, जिसको हम आसानी के साथ देख सकें। अब इसमें क्या होता है, विंडो टू पे हम क्या करेंगे, विंडो टू पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। उससे पहले इस चैम्बर के अंदर दो हमारे पास प्लेट है, पहली प्लेट का नाम पी पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट का नाम क्या है, पी। और प्लेट वन के ऊपर आपने होल किया हुआ है, छोटा सा होल रखा है। और इस सारे के सारे हिस्से को आप देखने के लिए क्या करते हैं, अब हमें देखना भी तो है ना, तो हम माइक्रोस्कोप से यू देखेंगे इस तरह, इसके ऊपर आंख रखे, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप। इसे आप कह रहे हैं क्या है, माइक्रो इस इन साइड का व्यू करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑयल होगा वो हमारे पास, उसको यहां क्या करेंगे, इधर हमारे पास क्या है, एक एटमाइजर है, जैसे हमारे पास शावर होता है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो बेशुमार ड्रॉप क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसी तरह इस एटमाइजर को भी मैं क्या करूंगा, जब प्रेस करूंगा तो इससे क्या होगा, बेशुमार टीनी ड्रॉप क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो क्या होंगे, यहाँ से नीचे आते हुए आपको दिखाई देंगे जब आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब मैंने बात की थी कि विंडो वन पे तो हमने सोर्स अप्लाई कर दिया, विंडो टू पे हम क्या करेंगे, विंडो टू पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, इसको पॉजिटिव, पी पॉजिटिव थी तो मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव थी तो नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस एटमाइजर को प्रेस किया तो बेशुमार टीनी ड्रॉप क्या होंगे, यहां से नीचे आ रहे होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपने किसी एक पार्टिकल को अपनी आंख से यूं देखते जाना है और किसी एक पार्टिकल को आपने नीचे आते हुए देखना है। और इन प्लेटों के दरमियान जो डिफरेंस है वो होता है 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर का। अब जैसे आप यहां पे एटमाइजर को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बेशुमार ड्रॉप क्या होंगे, ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, जिसे आप अपनी आंख से माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। अब हमने किसी एक पार्टिकल को यहां क्या करना है, सस्पेंड करना है, रोकना है। तो जब आप पार्टिकल को सस्पेंड कैसे करेंगे, जितना हमारे पास इस पार्टिकल का वेट होगा
उतना ही हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल क्या होगा सस्पेंड होगा। जिस तरह से वॉल्यूम कम करने के लिए हम बटन को प्रेस करते जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम कम होता जाता है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी उसी तरह क्या करेंगे कम करते जाएंगे, इतना कम करेंगे इतना कम करेंगे कि जितने आपके पास इस पार्टिकल का वेट है और उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा तो पार्टिकल आपका क्या होगा सस्पेंड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो वेट है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे पार्टिकल क्या हुआ है पार्टिकल हमारा सस्पेंड हो। तो हमारा पार्टिकल क्या सस्पेंड हो गया है, इसका मतलब सस्पेंड कब हुआ है जब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो गई है वेट के और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट ई और वेट होता है हमारे पास एनर्जी और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है वी और डी। ऐसे करें ये वाली वैल्यू क्या हम ये ई डिवाइडर आ गई मल्टीप्लाई अब क्या होगा ये वी मल्टीप्लाई कर आ गई डिवाइडर इसे कह रहे हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हमने मजीद देखना है देखिए अगर आपके पास जो चार्ज है उसका मैस हो जी की वैल्यू 9.8 है और इन प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू गिवन हो और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी आपको पता हो तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं इस चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए अगर पार्टिकल आपका इसका मतलब हमने मैस फाइंड करना है तो मैस के लिए अब हमने मैस निकालना उससे पहले हमारे पास क्या है कि आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करें इसको कट कर दें। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कट करेंगे तो यही पार्टिकल क्या होगा नीचे की तरफ जब मूव करेगा तो जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा ड्रैग फोर्स अमल करेगी और ड्रैग फोर्स जो होती है वो उस वो पार्टिकल इतना समान है कि ड्रैग फोर्स जो है उसके क्या वेट के इक्वल हो जाए। तो इधर हमारे पास 6 πηVT = mg जो ड्रैग फोर्स होती है उसका फार्मूला होता है 6 πηVT और 6 πहमारे पास कांस्टेंट है ईटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और आर आपके पास अगर पार्टिकल है तो वो स्फेरिकल फॉर्म में है और उसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा और वी टी अगर वो मूव करता है तो उसकी क्या है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर आपने मैच निकालना ये जी मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा तो हमने मैच की वैल्यू क्या की है फाइंड कर ली। अब मैच तो हमारे पास निकल गया है मैच में अगर हम देखें हमारे पास रेडियस भी मौजूद है वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है तो हमारे पास रेडियस नहीं है। रेडियस फाइंड करने के लिए मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास पार्टिकल है वो किस फॉर्म में है वो स्फेरिकल फॉर्म में है और अगर स्फेरिकल फॉर्म में है तो फिर उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा उसकी डेंसिटी भी होगी और उसका मास भी तो होगा।
अगर पार्टिकल है तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी का फार्मूला मेरे पास होता है मैस और वॉल्यूम। मैंने बात किया कि पार्टिकल मेरे पास स्फेरिकल फॉर्म में है और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ये v डिवाइडेड आ गई। ऐसा करेंगे v की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो आप क्या करें, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको 3। आप क्या करें, दोनों को कंपेयर कर लें फ्रॉम 2 and 3। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 6 πr·vt इज इक्वल टू रो 4/3 πr³। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 2 की 3 में भी पुट कर सकते हैं। तो देखें पाई दोनों में है, कट जाएगा एक आर से आर कट जाएगा, ये 3 डिवाइडर इधर आके 18 हो जाएगा, ईटा वैसे ही आएगा, वी टी भी वैसे रहेगा, और हमारे पास क्या हुआ आर स्क्वायर, और इसके नीचे हमारे पास जी भी था, उसकी वैल्यू जी इधर लिख दे, ये रो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये 4 × इधर आके होगा डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करें, कट दें इसे, 2 को 9 रह जाएगा ऊपर, ईटा वी टी अवर 2 0। तो आपने क्या किया, रेडियस को फाइंड कर लिया। आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, आर स्क्वायर होगा 9 θ vt और 2 0 अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमने यहां से रेडियस की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर आपने रेडियस की वैल्यू फाइंड कर ली है तो अब आप रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे मैथ में, और विस्कोसिटी आपके पास डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास ऑयल है वो कितना विस्कस है, और वी टी उसकी फिर वेलोसिटी, वो आप हमने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कट ऑफ किया था तो पार्टिकल ने क्या किया था, ऊपर से नीचे मूव किया, इसका मतलब उसने कोई ना कोई फासला भी तय किया है, अगर फासला तय किया तो टाइम भी तो लगा है। लिहाजा अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो पार्टिकल आपका ऊपर से नीचे मूव करता है, फासला भी तय करेगा, टाइम भी लगेगा, तो फार्मूला होगा एस इज इक्वल टू वी टी। अगर आपने ये वी निकाला टी मल्टीप्लाई इधर आके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, और टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, जब ड्रैग फोर्स क्या है वेट के इक्वल होती है। तो हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, रेडियस भी फाइंड कर ली, और मास भी फाइंड कर लेंगे, तो इन सारी की सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे, वो थी 4 की वैल्यू निकल आएगी, और वो उसने कहा था कि चार्ज आपके पास चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब एक मतलब फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने चैम्बर लिया, चैम्बर में दो विंडोज़ हैं, विंडो W1 और W2, जो हमारे पास 1 है उस पर आपने क्या किया है, सोर्स अप्लाई किया है, 2 के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और पहली प्लेट के अंदर हमने क्या किया है, छोटा सा होल किया है,
और एटमाइजर को प्रेस किया है, बेशुमार चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहे थे। किसी एक चार्ज पार्टिकल को आपने माइक्रोस्कोप से देख के रोकना है। जब आप रोकेंगे, मतलब आप उसे सस्पेंड कैसे करेंगे कि जितना उसका वेट होगा पार्टिकल का, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। जब आप उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो पार्टिकल सस्पेंड होगा, वहाँ से आप चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, पार्टिकल है तो उसका मैस भी होगा, मैस है तो फिर क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी भी होगी, डेंसिटी है तो उसका वॉल्यूम भी होगा, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, मैस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मैस की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। जी आप जानते हैं 9.8 और प्लेटों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास 2 मिलीमीटर भी ले लेते हैं और 3 मिलीमीटर भी ले लेते हैं, और वी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। जब सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू निकल आएगी 1.6×10^19। और चार्ज चाहे आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सब के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी।